लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान। चिराग पासवान का एनडीए में अभी तक से कोई भी सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों लोगों का आपस में लड़ा रही है हाजीपुर को सीट को लेकर। बता दें कि चिराग पासवान जमुई से दूसरी बार सांसद हैं और चिराग पान 10 वर्ष पूरा होने पर जमुई वासियों का आभार भी जताए हैं। बता दें कि चिराग पासवान कल जाकर चिराग पासवान जमुई में जो कि वहां पर एक केंद्रीय विद्यालय बना है उसका उद्घाटन करेंगे चिराग पासवान। बता दें कि चिराग पासवान जमुई में जितने भी कार्य हुई हैं उनकी गणना कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि ये काम हुई है। लोक जनशक्ति के पार्टी के जो ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है उस पर डाला जा रहा है। तो बता दें कहीं ना कहीं चिराग पासवान कुछ दिन पहले जमुई में एक बयान भी दिए थे कि मैं युवा बनकर आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही इस क्षेत्र से जाना चाहता हूँ। तो चिराग पासवान का उस समय काफ़ी चर्चा हुआ था, क्या चिराग पासवान हाजीपुर जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। तो बता दें साथियों कि चिराग पासवान अभी तक से एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई भी क्लीन चिट चिराग पासवान को नहीं मिली है। चिराग पासवान बीच में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किए थे 11 लोकसभा अपने प्रभारियों की नियुक्ति करके, लेकिन चिराग पासवान जमुई में जितने कार्य किए हैं उसकी गणना क्यों दिखा रहे हैं? कहीं ये नहीं साबित हो रहा है कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में हाजीपुर को सीट के लिए नकारा गया हो? क्या चिराग पासवान को जमुई से ही लड़ना हो? चिराग पासवान को कुछ दिन पहले वीवीआईपी की रिपोर्ट में सबसे युवा चेहरे में मतलब सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीत का मार्जिन दिखाया जा रहा था। तो क्या चिराग पासवान को कई ऐसे संकेत आ गए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान हाजीपुर नहीं जमुई से ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन चिराग पासवान के लिए जमुई एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी साथियों। बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे राजनीतिक दुश्मन रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को आधे से कम सीट पर रोकने का काम किए, वही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला ले सकते हैं। इसीलिए चिराग पासवान जमुई नहीं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश में थे, लेकिन अभी तक से एनडीए गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की सीट शेयरिंग पर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक से फंसा कर रखा गया है, और चिराग पासवान को लालू प्रसाद यादव जी का भी लगातार ऑफर आ रहा है। तो इस समय चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किलें हैं, और इस पर लेके चिराग पासवान 10-15 दिन के अंदर में बहुत जल्द क्लियरिटी करने वाले हैं साथियों। तो अभी के लिए इतना ही, मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं एलजेपी बिहारी चैनल। अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पेज वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।